बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहते हैं हम आपको एनिमल्स रेट्स अपडेट में। आज हम आपको ले आए हैं बकरा मंडी शाहपुर के अपडेट देंगे। मुख्तलिफ किस्म के जानवर देखेंगे। इसमें एक पटेरी बकरी है माशाल्लाह, और इसके अलावा एक टेडी टापरी है, ठीक है ना, टेडी टापरी मुंडी है, ठीक है ना, ये बकरी चेक करें आप। और इसके अलावा और अम्बलक भी है, एक बीच में खड़ी है, एक ये पटेरी है, तो गुलाबी है। मुख्तलिफ किस्म के रेट हैं, तो रेट बताएँगे इंशाल्लाह। तो ये जो बकरियाँ खड़ी हैं तकरीबन 48-50 हज़ार के हिसाब से बोल रहा है, और ये खड़ी है टापरी 35 हज़ार के हिसाब से, और ये मुंडी खड़ी है ये भी 35 हज़ार के हिसाब से, ठीक है ना। इसके बच्चे हैं, और ये पटेरी है, तो तकरीबन 45-48 ऐसे बोल रहा है। मगर मुख्तलिफ रेट आपको मिलेंगे सस्ते या महंगे मंडियों में जो भी होते हैं रेट। तो ये आपको तकरीबन बकरियां जो हैं तो 38-40 हज़ार के हिसाब से आपको मिल जाएंगी। टापरी जिसके 35 बोल रहा है तो वो 26-27 के अंदर में मिलेगी आपको। तो देखें बकरियां अच्छी हैं माशाल्लाह, मगर थोड़ी कमज़ोर हैं भाई। शाहपुर की मंडी का यही हाल होता है, आपको पता ही, जानवर कम आते हैं तो कमी हम दिखा पाते हैं। तो इसमें गब्बन बकरियाँ, ये प्रेगनेंट है पटेरी, तो दांतों में जो है वो थोड़ा मड़ी पीछे हैं बकरियाँ ये। तो बाकी ये देख सकते हैं माशाल्लाह हाइट वगैरह, तो ये टेडी टापरी सबको पसंद आती है। ज़्यादातर कराची के लोगों को ये जानवर बहुत ही पसंद आते हैं। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह ये बकरी भी खूबसूरत, इसका हवाना देखें, गब्बन है, तैयार गब्बन है, 15-20 दिन इसमें लेट है। तो यहाँ पे आप चेक करें कलर और स्पॉट्स वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, तो खूबसूरत भी हैं इसके। ये भी बड़ी खूबसूरत है, अच्छी है, मगर रेट मुनासिब आपके साथ हो जाएंगे अगर आप मंडी में आएंगे या हमसे रब्ता करेंगे। तो हमारा नंबर है स्क्रीन पे अवेलेबल है, तो हमसे रब्ता करके आप जानवर जो है परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये बकरे कुर्बानी वाले, ठीक है ना। ये चार बकरे हैं कुर्बानी वाले माशाल्लाह। इसमें तीन जो है मोंडे टापरे हैं और एक ये पटेरा है माशाल्लाह। ये देखें खूबसूरत और अच्छे बकरे हैं, बड़े खूबसूरत और अच्छे बकरे हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये एक मुंडा है और एक सींगों वाला, दो सींगों वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं दो सींगों वाले, एक मुंडा है। तो इनका रेट जो तकरीबन 24-25 हज़ार की डिमांड है, मगर ये आपको 19-20 में ये मिल जाएंगे। जानवर अच्छे हैं, 7-8 माह के जानवर हैं ये। बाकी यहाँ पर जो चार खड़े हैं इनकी डिमांड जो है 27 हज़ार के हिसाब से, ये देखें 27 हज़ार। और ये बकरे देखें माशाल्लाह, ये आपको भी 18-20 में ये मिल जाएगा, मगर रेट तो ज़्यादा ही करती हैं मंडी में, जो भी करते हैं तो रेट इनका तो ज़्यादा होता है। बाकी ये मोंडे खड़े हैं तो माशाल्लाह देखें छोटे बकरे हैं इनके, इनकी डिमांड जो है तकरीबन 18-18 हज़ार, 19 हज़ार, मगर ये भी 17-18-19 बोल रहा है। तो आपको 15-16 में ये जानवर मिलेंगे। ये देखें माशाल्लाह बड़े खूबसूरत और अच्छे अच्छे बकरे हैं, खूबसूरत मोंडे। रेट इनका जो मैंने आपको बताया 25-26 हज़ार के बूटे से हिसाब से ये जो रेट हैं अवेलेबल हैं, मांग रहे हैं तो बकरा मंडी शाहपुर हर पीर वाले दिन शाहपुर हाला बाईपास पे लगती है, जहाँ पे पेट्रोल पम्प होगा सामने। तो किसी को भी लोकेशन चाहिए तो पेट्रोल पम्प के पास में ही मंडी लगती है। अगर इनके मीट या गोश्त के मीट वज़न की बात करें तो तकरीबन एक बकरा 35 केजी हो जाएगा, 35-30-32 केजी ऐसे होगा, और गोश्त 13-14 किलो गोश्त आराम से हो जाएगा। मगर ये कुर्बानी वाले हैं, काटू नहीं है। काटू एक अलग चीज़ होती है और एक कुर्बानी वाले जो होते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, आपको पता ही है सारा। तो छोटी सी वीडियो है, वीडियो को पूरा लाजमी देखें, स्किप ना करें। तो मैं आपको उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये हैं बकरे जितने भी हैं माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत और अच्छे बकरे हैं। तो आपको हम अच्छे अच्छे जानवर दिखाने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी मंडी में लेके चलते हैं। और दोस्त कमेंट करते हैं तो हमारे हौसला अफजाई, और लाइक मारते हैं तो हौसला अफजाई जो होती है वो बढ़ती है हमारी। तो आगे भी हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दिखाएं और अच्छे से अच्छे जानवर दिखाने की कोशिश करें। तो ये हाल है मंडी का, मंडी के रेट 2022 अभी 23 आने वाला है, तो कुछ रेट हाई फाई हो गए हैं। तो यही बकरे हमें मिलते थे काफ़ी 5-6 महीने पहले, तो 12-13 हज़ार 14 हज़ार के हिसाब से, अभी 18-20 हज़ार के हिसाब से।
ये बकरे जो हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जो रिजल्ट है मंडी का आप खुद ही देख सकते हैं। उम्मीद है आपको जो पसंद आएगी वीडियो को लास्ट तक पढ़ता लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह।